खबर के प्रायोजक हैं मोती महल डीलक्स, सेंट्रल बैंक बिल्डिंग, सदावर्ती चौक, आजमगढ़, फ्री होम डिलीवरी अवेलेबल, गोमती ग्रामीण, निधि बैंक, रोजगार पाने का सुनहरा अवसर, रिक्त पदों के लिए बम्पर वैकेंसी, वुडन टच भवनाथ आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर और होटल पार्क ग्रीन सिधारी आजमगढ़। बुधवार को पुलिस उप महानिरीक्षक आजमगढ़ परिक्षेत्र आजमगढ़ अखिलेश कुमार ने थाना मुबारकपुर का वार्षिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य, अपर पुलिस अधीक्षक नगर शैलेन्द्र लाल, एएसपी सीओ सदर शक्ति मोहन अवस्थी व अन्य अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। वार्षिक निरीक्षण के दौरान डीआईजी ने थाना परिसर की साफ सफाई, बैरकों, वाहनों के साथ साथ थाना कार्यालय के अभिलेखों का निरीक्षण किया। शस्त्र खोलने जोड़ने में कार्रवाई कराई गई तथा असलहा व कारतूस का उनके द्वारा निरीक्षण किया गया। दंगा नियंत्रण उपकरण की कार्रवाई कराई गई जिसमें उप निरीक्षकों को बॉडी प्रोटेक्टर को धारण करते समय कमियों को देखते हुए उन्होंने सुधार के लिए निर्देशित किया। थाना के चौकीदारों को बुलाकर संबंधित आरक्षी से तालमेल के बाबत जानकारी ली गई। थाना परिसर में संभ्रांत व्यक्तियों से वार्ता कर उनकी समस्याओं को सुनकर संबंधित को निर्देशित किया गया। बैरक में लगे पंखे, लाइट, खिड़की आदि का भी उन्होंने निरीक्षण किया। मेज की साफ सफाई, रेट पर रखे हुए साग सब्जी, राशन व अन्य सामग्रियों का भी उन्होंने निरीक्षण किया। थाना परिसर में संभ्रांत व्यक्तियों से वार्ता के दौरान आए सीसीटीवी कैमरे क्षेत्र में लगवाने के सुझाव को महत्व देते हुए उन्होंने इस संदर्भ में आवश्यक कार्रवाई किए जाने के निर्देश दिए। थाना मुबारकपुर का वार्षिक निरीक्षण किया गया है। इसमें हमारे जो पुलिस की स्टाफ के जो काम है वो किस तरह का है, थाने में जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो वेपन्स हैं, उनका रखरखाव किस तरह का है, थाना और थाने के जो ग्राम प्रहरी हैं उनके बीच में कैसा तालमेल है, सूचना कितनी किसको मालूम है, ये सबके एक मिशन के दौरान चीज़ें पता की गई हैं, कुछ सुझाव उनको दिए गए हैं। यहाँ ग्राम प्रधान और नगर के संभ्रांत व्यक्ति आए हुए हैं, उनसे भी बातचीत हुई है, उनके द्वारा भी कुछ सुझाव दिए गए हैं, कुछ हमने भी उनके यहाँ सीसीटीवी कैमरा लगाने पर जोर दिया है कि इस तरह के आपके लगा लेंगे तो आपके पास 24 घंटे का एक प्रहरी टाइप में काम करेगा। ओवरऑल थाने का जो कामकाज है और जो सिपाहियों की नॉलेज है और टर्नआउट है वो काफ़ी अच्छा है। यहाँ एएसपी साहब का प्रवेशन कर रहे हैं और जो छोटी मोटी कमियाँ बता दी गई उनको सुधार हो जाए। बुधवार को आम आदमी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने दिल्ली एमसीडी में प्रचंड जीत को लेकर पार्टी कार्यालय पर ढोल नगाड़ा बजाकर एक दूसरे को गुला लगाकर जश्न मनाया। पूर्वांचल प्रांत अध्यक्ष राजेश यादव ने पत्रकार बंधुओं को सम्मिलित करते हुए कहा कि सर्वप्रथम दिल्ली की जनता को इस प्रचंड बहुमत के लिए धन्यवाद। इस चुनाव परिणाम ने यह साबित कर दिया है कि अब देश में आम आदमी पार्टी ही एकमात्र विकल्प है जो आम आदमी को महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के तांडव से मुक्ति दिला सकती है। जिला अध्यक्ष रविन्द्र यादव ने बताया कि एमसीडी चुनाव में यह जीत पार्टी के साथ साथ दिल्ली की आम जनता की जीत है। सफलता प्राप्त करने पर आज दिल्ली वासियों के साथ साथ देश के अन्य भाग के लोग भी काफी उत्साहित हैं। निश्चित तौर पर अब पूरे भारत वर्ष में आम आदमी पार्टी परचम लहराने जा रही है। जिला उपाध्यक्ष इसरार अहमद एडवोकेट ने बताया कि एमसीडी चुनाव में जनता आज विकास को तरजीह देकर आम आदमी पार्टी को मजबूत बनाने अपनी भूमिका का निर्वहन किया है। दिल्ली के भविष्य के साथ साथ समस्त भारतवर्ष में भी अब आम आदमी पार्टी जनहित से जुड़े मुद्दे को लेकर अपने आप को स्थापित करेगी और दिल्ली के विजन को पूरे देश में स्थापित करेगी। आज की जीत जनता की जीत है। आज के कार्यक्रम में प्रदेश सचिव कृपा शंकर पाठक, राजन सिंह, अनिल यादव, मोहम्मद अली, रमेश पांडे, रामरूप यादव, संजय यादव, राजेश सिंह, सोनू यादव, लवटू यादव, महेंद्र यादव आदि उपस्थित रहे। दिल्ली की जनता को हार्दिक बधाई और आम आदमी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता को हार्दिक बधाई। और ये 15 साल का शासन, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी अपने आप को भाजपा कहती है, 15 साल से दिल्ली में कूड़ा कूड़ा कर रखा था, दिल्ली की जनता ने आज कूड़े की सफाई कर दी और आम आदमी पार्टी को भारी बहुमत से, प्रचंड बहुमत से जिताई है। कल गुजरात का चुनाव का रिजल्ट आ जाएगा और हमारी खुशी कल दूनी हो जाएगी, क्योंकि कल से हम हिंदुस्तान की राष्ट्रीय पार्टी हो जाएंगे। और आज दिल्ली का रिजल्ट अच्छा आया है और गुजरात में भी हमें उम्मीद है कि रिजल्ट वहां का भी बहुत बेहतरीन होगा। फिलहाल मिठाई, जो लड्डू आप खाए हैं, उसकी मिठास और दिल्ली की मिठास में अभी कितना अंतर आपको नजर आ रहा है? देखिए, ये दिल्ली की जनता द्वारा दी गई मिठास है
तो सबसे पहले हम दिल्ली की जनता को हार्दिक बधाई देते हैं और अपने नेता अरविंद केजरीवाल जो कट्टर ईमानदारी से देश के लोगों को उनके मूलभूत अधिकारों को दिलवा रहे हैं, जो उनका हक है जनता का, जो अब तक किसी राजनीतिक दल ने नहीं दिया था। चुनाव के समय में लोग आ जाते हैं कि भाई ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, लेकिन राजनीतिक इच्छा शक्ति अगर कहीं आपको दिखाई पड़ेगी तो वो आम आदमी पार्टी में दिखाई पड़ेगी, अरविंद केजरीवाल जी में दिखाई पड़ेगी, हमारे आम आदमी पार्टी के नेताओं में दिखाई पड़ेगी कि शुरू से जनता के हक के लिए, हुकूक के लिए, उनके इलाज के लिए, उनके पढ़ाई लिखाई के लिए, बच्चों के भविष्य के लिए, देश के भविष्य के लिए सारी योजनाएं हमारी जनता ने पसंद किया और आम आदमी पार्टी को सिर्फ सुपर। अच्छा, आज पूरे देश में एक चर्चा बहुत जोरों पर है कि भारतीय जनता पार्टी के सामने अब लोगों के पास सिर्फ एक विकल्प रह गया है, अरविंद केजरीवाल। इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, अब तो देश के सामने ये बात बिल्कुल आपकी सही है कि देश के सामने अब जो महंगाई इतना बड़ा मुद्दा है और जो पार्टी सत्ता में है वो महंगाई से लड़ने के लिए कौन सा उसके पास एजेंडा है, कोई एजेंडा नहीं है। तो कम से कम आम आदमी पार्टी का जो एजेंडा है वो आदमी को महंगाई से लड़ने के लिए मजबूती प्रदान कर रहा है। भाई, आपका अगर बिजली का बिल बच गया, आपके बच्चों की पढ़ाई लिखाई का बिल बच गया, आपके इलाज का खर्चा बच गया, तो आप इस प्रचंड महंगाई से तो आप लड़ सकते हो ना। तो ये कुछ तो न भारतीय जनता पार्टी के पास है और न कांग्रेस के पास है, तो अब तो देश में एकमात्र विकल्प है आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल। आजमगढ़ से क्या संदेश जाना चाहते हैं आप, भेजना चाहते हैं दिल्ली से? आज दिल्ली ने जो रिजल्ट दिया है और कल गुजरात जो इमीडिएट मिलेगा, तो निश्चित तौर पर इसका असर पूरे उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा। आशुतोष द्विवेदी अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के प्रदेश उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। इस बात की घोषणा जनपद पहुंचे संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष यूपी रत्न पंडित राजेंद्र नाथ त्रिपाठी ने प्रेस वार्ता के दौरान की। प्रेस वार्ता के दौरान नगर निकाय चुनाव की जारी आरक्षण सूची और जेएनयू के विवादित टिप्पणी को लेकर भी उन्होंने जमकर हमला बोला। जनपद पहुंचे अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित राजेंद्र त्रिपाठी ने जादवपुर क्षेत्र स्थित कार्यालय पर प्रेस प्रतिनिधियों से वार्ता करते हुए संगठन के जिला अध्यक्ष पंडित आशुतोष द्विवेदी के कार्यों की तारीफ करते हुए उन्हें प्रदेश में उपाध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दी। प्रेस वार्ता के दौरान पंडित राजेंद्र त्रिपाठी ने नगर निकाय चुनाव को लेकर जारी आरक्षण सूची पर कहा कि ये सवर्ण समाज के हितों पर कुठाराघात है, हम इसका विरोध करते हैं, इससे लोगों में भारी आक्रोश है, यह या तो सरकार के दबाव में आई है या व्यक्ति विशेष के दबाव में लाई गई है। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने विगत दिनों जेएनयू में दीवालों पर लिखे विवादित लेख पर टिप्पणी करते हुए कहा कि वहां जिस किसी ने ये लिखा है कि ब्राह्मण और बनिया इस देश से निकाल दिए जाएं, तो ये देश किसी के बाप की बपौती नहीं है। ब्राह्मण और बनिया इस देश के ऑक्सीजन है और ये बात लिखने वालों का रक्त दूषित है। हमारे आजमगढ़ के जिला अध्यक्ष पंडित आशुतोष द्विवेदी जी के अच्छे कार्यों को देखते हुए एक लंबे समय से आजमगढ़ के जिला अध्यक्ष के पद पर आसीन रहे, इनके अच्छे कार्यों को देखते हुए अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा रा उत्तर प्रदेश कमेटी का उपाध्यक्ष घोषित किया गया है। संगठन के विस्तार को लेकर फिर और भी कुछ बात? अब इनके नेतृत्व में मंडल अध्यक्ष के जो भी वरिष्ठ पदाधिकारी हैं उनके नेतृत्व में एक अच्छा जिला अध्यक्ष का चयन सर्वसम्मत के आधार पर एक सप्ताह में कर लिया जाएगा। सर, नगर निकाय चुनाव करीब आ गए हैं, तमाम आरक्षण सूची प्रकाशित हुई है, इसको लेकर आपका संगठन? देखिए, इस आरक्षण जो नगर निगम का आगामी चुनाव है इसको लेकर के जो आरक्षण की सूची प्राप्त हुई है हर जिलों में भारी आक्रोश है लोगों का। तमाम शिकायतें भी हम संगठन के माध्यम से लोगों की आई कि जहां सामान्य वर्ग ज्यादा है वहां उसको आरक्षित कर दिया गया है, तो या तो सीधे सीधा सवर्णों पर, सवर्ण हितों पर कुठाराघात, हम इसका विरोध करते हैं। अब या तो यह जो आरक्षण सूची आई है सरकार के दबाव में आई या व्यक्ति विशेष के दबाव में आई हो या अज्ञानियों के सूची तैयार करने वाली टीम की देन है। आप बताएं कि जहां दलित ज्यादा हो वहां सामान्य कर दिया जाए, जहां पिछड़ा ज्यादा हो सामान्य कर दिया जाए, और जहां ज्यादा सामान्य लोग हो
वहाँ उसको आरक्षित कर दिया दलित या पिछड़ा क्षेत्र में, ये तो गलत है ना। जहाँ बहुतायत, ये लोकतंत्र है, जहाँ बहुतायत जिस वर्ग की संख्या हो उसको दिया जाना चाहिए। JNU में दीवारों पर ये लिख रहे हैं कि ब्राह्मण और बनिया इस देश से निकल जाए, उनके बाप की बपौती है, वो अपने बाप से पूछा ना कि भारत को आज़ाद कराने में किसका श्रेय है। बनिया और ब्राह्मण ऑक्सीजन है, जैसे किसी जीवधारी के शरीर से ऑक्सीजन निकल जाए स्थूल हो जाएगी वो शरीर, उसी तरह से बनिया और ब्राह्मण अगर भारत से निकल जाएंगे तो समाप्त हो जाएगी इसकी गरिमा ही, ये उन्हें पता नहीं है। और मैं तो ये कहूँगा कि वो अपने ये शब्द कहने वाले कि बनिया और ब्राह्मण भारत से निकल जाए, वो माँ बाप की औलाद नहीं, उनका रक्त दूषित है और इस पर सख्त कार्यवाही सरकार को करनी चाहिए। ऐसे अराजक तत्वों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही होनी चाहिए। ये आवाज उठा ना उठा, विरोध हो ना हो, आक्रोश हो ना हो, ये सरकार का कार्य है जो समाज में जहर फैला करके अस्थिरता का माहौल पैदा कर रहे हैं, ये बहुत गलत, बहुत ही निंदनीय है। इस पर चाहे वो प्रदेश सरकार हो, चाहे विश्वविद्यालय प्रशासन हो, चाहे केंद्र सरकार हो, ऐसे अराजक तत्वों को पकड़ करके कड़ा से कड़ा सजा देना चाहिए कि ताकि पूरा आम जनमानस देखे और रूह कांप जाए कि फिर भविष्य में दूसरा कोई इस तरह का दुस्साहस न कर पाए। इससे नफरत पैदा होगी, आपसी सद्भाव बिगड़ेगा, तो आपसी सद्भाव बिगड़ेगा, देश टूटेगा, समाज टूटेगा। ऐसे तत्वों पर रासुका लगा करके और उनको सरयाम दंड दिया जाना। अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के प्रदेश उपाध्यक्ष बनाए जाने के उपरांत पंडित आशुतोष द्विवेदी ने कहा कि वे नए दायित्व की जिम्मेदारियां अपने पूरे सामर्थ्य के साथ निर्वहन करेंगे। देखिए, इसके पहले अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र त्रिपाठी जी ने जनपद की जिम्मेदारी सौंपी थी। 2-3 वर्षों तक उस जिम्मेदारी का सफलतापूर्वक निर्वहन किया गया। जो भी मसले आए उस पर मतलब काम किया गया और इसी को देखते हुए अब आगे भविष्य की जो रूपरेखा सुनिश्चित किया होगा हमारे पंडित यूपी रत्न राजेंद्र त्रिपाठी जी ने, उसी के क्रम में उन्होंने आज प्रदेश में उपाध्यक्ष के बतौर हमको भेजा है। और मेरी जो भी जिम्मेदारी होगी, मैं समझता हूँ कि समाज के प्रति जो कर्तव्य निष्ठा है उसको अपने जितना अपना सामर्थ्य है उस हिसाब से उसका पालन करने की कोशिश करेंगे। आजमगढ़ के देवगांव कोतवाली के लालगंज में एक दिल दहला देने वाला हादसा सामने आया है, जिसमें सामने से आ रही स्कूटी को स्कॉर्पियो ने अपनी चपेट में ले लिया और उसको कई मीटर तक घसीटते हुए ले गई। घटना में स्कूटी सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसको वाराणसी रेफर किया गया है, जहां अभी भी वह जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है। घटना 3 दिन पुरानी बताई गई है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है और इस मामले में फिलहाल तहरीर का इंतजार है। घटना लालगंज तिराहा बाईपास की है। घटना का वीडियो अब वायरल हुआ है, जिससे अंदाजा लगाया सकता है कि घटना कितनी खौफनाक है। और स्कॉर्पियो चालक तेज रफ्तार में अपने वाहन पर नियंत्रण नहीं रख सका और भागने के चक्कर में उसने स्कूटी सवार को नहीं बख्शा। जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज की अध्यक्षता में मंगलवार देर शाम कलेक्ट्रेट सभागार में कर राजस्व वसूली की मासिक समीक्षा बैठक संपन्न हुई। जिलाधिकारी ने आबकारी विभाग को राजस्व वसूली में वृद्धि करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि लक्ष्य के सापेक्ष शत प्रतिशत वसूली सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि शराब, ठेके, बियर बार के लाइसेंस हेतु किए गए आवेदन किसी भी दशा में पेंडिंग न रहे। उन्होंने AIG स्टाम्प को निर्देश दिया कि नेटवर्क, सर्वर एवं पोर्टल की समस्या को दूर कर अधिक से अधिक रजिस्ट्री के केसों का निस्तारण करते हुए राजस्व में वृद्धि सुनिश्चित की जाए। जलकाई ने कहा कि गत वर्ष की तुलना में राजस्व वसूली में वृद्धि की जाए। उन्होंने कहा कि वाहनों को सीज एवं निरीक्षण कर राजस्व में वृद्धि सुनिश्चित की जाए। उन्होंने आशासी अभियंता विद्युत को निर्देश दिए कि जनरेट किए गए बिलों के सापेक्ष विद्युत वसूली कर राजस्व में वृद्धि कराई जाए। जिलाधिकारी ने वन विभाग को निर्देश दिया कि निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष पौधों की बिक्री बढ़ाकर राजस्व वसूली में वृद्धि सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि आरा मशीनों का निरीक्षण कर राजस्व वसूली में वृद्धि लाई जाए। कहा कि माइनिंग के कार्यों को तत्काल प्रारंभ करा दें ताकि राजस्व में वृद्धि हो सके। उन्होंने कहा कि कोई भी ईंट भट्ठा बिना रॉयल्टी जमा किए किसी भी दशा में संचालित न हो पाए। कहा कि
जितने भी ईंट भट्टे संचालित किए गए हैं सभी की रॉयल्टी वसूला सुनिश्चित किया जाए। अधिकारी ने कहा कि सभी समितियों को पावर डस्टर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि मंडियों से वसूली सुनिश्चित कराएं। अधिकारी ने कहा कि सभी संबंधित विभाग आपस में समन्वय स्थापित करते हुए राजस्व वसूली में वृद्धि करें। अधिकारी ने बिना ड्यूटी छुट्टी के मंडी सचिव के अनुपस्थित पाए जाने पर कारण बताओ नोटिस जारी करने के लिए अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व को निर्देश दिए। बैठक में जिलाधिकारी अपर अनिल कुमार मिश्रा, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व भगत सिंह, परियोजना निदेशक के सिंह एवं अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। मोती महल डीलक्स सेंट्रल बैंक बिल्डिंग सरावर्ती चौक आजमगढ़। साउथ इंडियन डिशेस अवेलेबल, 7 टाइप्स ऑफ डोसा, छोले भटूरे, बर्गर, पास्ता, रैप्स एंड रोल्स, मटका बिरयानी, फ्री तंदूरी ब्रेड्स इन लंच आर। वी आर अवेलेबल फॉर किटी, बर्थडे, एनिवर्सरी, कॉर्पोरेट पार्टी, फेयरवेल पार्टी एंड आउटडोर केटरिंग। फ्री होम डिलीवरी। मटका बिरयानी हैज स्टार्टिंग चंपारण वेरी सून। वैलेट पार्किंग अवेलेबल। मोती महल डीलक्स सेंट्रल बैंक बिल्डिंग सदावर्ती चौक आजमगढ़। वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, पीवीसी डोर, फोर माइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए चार चांद, पहुंचिए वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़। होटल पार्क ग्रीन हाइडल चौराहा सिधारी आजमगढ़। स्वच्छ और आरामदायक एसी एंड नॉन एसी रूम्स, 24 आवर रूम सर्विस, नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, चाइनीज, इटालियन वेज एंड नॉन वेज लजीज और जायकेदार व्यंजन उचित रेट पर उपलब्ध। शादी विवाह, एंगेजमेंट, मैरिज एनिवर्सरी, बर्थडे पार्टी के लिए लार्ज बैंक्वेट हॉल, मीटिंग और सेमिनार के लिए कॉन्फ्रेंस हॉल। आपकी खुशियों में लगाए चार चांद, होटल पार्क ग्रीन हाइडल चौराहा सिधारी आजमगढ़।